स्टेटमेंट में किया गया है ए 1000 वॉट इलेक्ट्रिक ओवन, ए 1000 वॉट इलेक्ट्रिक ओवन इज यूज्ड एवरी डे फॉर 90 मिनट्स, इज यूज्ड एवरी डे फॉर 90 मिनट्स। इलेक्ट्रिक ओवन की स्पेसिफिकेशन आपको बेटे ये दे रखी है, 90 मिनट्स के लिए आप इसको डेली बेसिस पे बेटे यूज कर रहे हो। और फर्दर मोर आपको कहा गया है कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दिस ओवन विल कंज्यूम इन द 30 डेज ऑफ यूज बेटे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज बेटे, 30 दिन में ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कर लेगा एनर्जी की टर्म्स में, ये आपसे पूछा गया है। एक मैं करता हूं फिर आप करिएगा बेटा। इलेक्ट्रिक पावर आपकी ओवन की जो है ये आपको 1000 वॉट दे रखी है। टाइम आप जितने टाइम के लिए ओवन को ऑपरेट कर रहे हो दिस इज 90 मिनट्स। और टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास जो है दीज आर 30। एनर्जी कंजम्पशन या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम निकालने के लिए एनर्जी ई जो है ये पावर इनटू टाइम ये प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है, प्रोवाइडेड आपका जो पावर हो ये बच्चों किलोवाट्स में हो और टाइम आपका आवर्स में होना चाहिए तब ये आपका वैलिड रहेगा। इसके वॉट्स के किलोवाट बनाइए, 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इतने किलोवाट बन गए, सो दिस इज 1 किलोवाट। आपने इलेक्ट्रिक पावर को किलोवाट्स में कन्वर्ट कर लिया, 90 मिनट्स के आपने 90/60 करके ये 3/2 इतने आवर्स के लिए आप इसको यूज कर रहे हो। सो वी विल से दैट बेटा एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, एक दिन में एनर्जी का कंजम्पशन कितना हुआ, पावर 1 किलोवाट आपने एक दिन में यूज की और 3/2 आवर्स के लिए ये यूज किया। सो दिस इज इक्वल टू बेटे 3/2 किलोवाट आवर, इसको आप यूनिट भी बोल देते हो ना, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 यूनिट्स, मतलब एक दिन में आपने 1.5 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी के इस ओवन के साथ विद 90 मिनट्स ऑफ यूज कंज्यूम कर दिए। अब आपने 30 दिन में निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। सिंपली आप इसको 1.5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू 45 यूनिट्स या 45 किलोवाट आवर, दिस विल बी द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द ओवन इन द 30 डेज। सो डियर चिल्ड्रन एक बार आप देख लीजिए, कोई पॉइंट आपको नहीं पता चला आप पूछ लीजिएगा, देन वी विल बी मूविंग अहेड अदरवाइज। ऑल ऑफ यू बेटा चेक कर लीजिएगा बेटे एक बार, किसी भी स्टूडेंट की कोई इस प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। राइट बेटे चलिए फिर आगे चलते हैं जी। बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, अब आप सॉल्व करिएगा, आई विल आल्सो बी सॉल्विंग बट इन द एंड। अब आप पहले सॉल्व करेंगे मैं बाद में करूंगा, देन जिनका हो गया अच्छी बात, जिनका नहीं हो गया वो अपना मैच कर लेंगे कैलकुलेशन और सॉल्यूशन कैसे उन्होंने किया है। आइए देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब, मैं लिख देता हूं पूरी स्टेटमेंट,
a 100 watt electric bulb is lighted for 2 hours every day, is lighted for 2 hours, 2 hours every day, and 540 watt tubes and 540 watt tubes are lighted for 4 hours every day, are lighted for 4 hours every day. Beta, calculate the energy consumed, calculate the energy consumed for 60 days, for 60 days, the cost of electricity consumed at the rate of 1.5 per kilowatt hour, and the cost of electric energy consumed, electric energy consumed at the rate of rupees 1.50 per किलोवाट आवर. ये दो पार्ट्स में छोटा सा क्वेश्चन है, आप 2 मिनट डिवोट करिए. आई विल आल्सो बी सॉल्विंग, जस्ट गो फॉर द आंसर. कितनी एनर्जी की कंजम्पशन हुई है और कितना बिल आना चाहिए आपका, इस हिसाब से सारे स्टूडेंट्स बेटे कैलकुलेट करके देखेंगे व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी. ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, जब भी आप इस पीरियड में बैठें, अपना कॉपी पेन हाथ में रखें, सो दैट कि अगर कहीं पे किसी भी कैलकुलेशन को करने की जरूरत पड़े, यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डू दैट साइड बाय साइड. ऑल ऑफ यू ट्राई दिस विद बलजिंदर, भूमिका, हरलीन, कनिष्का, कार्तिक, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं. सारी जो चीजें दी हुई हैं आपके सामने हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं. एनर्जी कंज्यूम पहले निकाल लीजिए, फिर अकॉर्डिंगली आप अपना बिल निकाल लीजिएगा कि कितना इसी रेट के हिसाब से बिल आएगा. दैट नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. माधव, कृति, केशव, काव्यांश, कार्तिक, पलक, राघव अरोड़ा, रूहानी, सात्विक, सजल, समीक्षा, सिमरप्रीत, सुयश, तृप्ति, दिलप्रीत, वंशिका, इकजोत, वृंदा, कृष्णा, अखिलेश, अंशिका. हाँ जी डियर चिल्ड्रन, बेटे हो रहा है सारा कि नहीं हो रहा न्यूमेरिकल? भूमिका, भूमिका इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा. भूमिका, दक्ष, प्रवीण, कनिष्का, अभी किसी का भी नहीं हुआ. हाँ जी बच्चों,
ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप, इतना नहीं लगना चाहिए राघव। 18 फॉर बल्ब, पलक। ये आपने बल्ब का अलग से निकाला है, चलिए टोटल भी निकाल लीजिए बेटे कितना आता है। गुड, आप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है राघव। 72 फॉर ट्यूब्स। अच्छा, आपने बिल अलग अलग निकाला है, ओके राइट बेटे राइट, ठीक है आपकी बात। चलिए बेटे मैं भी ट्राई करता हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स देखिएगा, आप होपफुली सॉल्व कर रहे होंगे, आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिएगा साथ साथ बेटे। 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर रेटिंग है, इसको आप 2 आवर्स के लिए एवरी डे स्विच ऑन करते हैं। तो बल्ब की जब आप बात करोगे, बल्ब की पावर 100 वॉट, इसको आपने किलो वॉट बना लिए, 100 बाई 1000 किलो वॉट, ये 1 बाई 10 किलो वॉट आपके बल्ब की पावर आ गई। टाइम 2 आवर्स आप इसके लिए यूज कर रहे हो डेली, और बेटे इसका मतलब हुआ कि बल्ब ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की, पावर इनटू टाइम कर लीजिएगा, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू टू, ये एनर्जी 1 बाई 5 किलो वॉट आवर्स के बराबर एनर्जी आपका दोनों बल्ब ने कंज्यूम किया एक ही दिन में बेटा। और इसके बाद हम बेटे बात करें अगर ट्यूब लाइट्स की, ये आपका एक बल्ब ने किया है बेटे, आपके देखिए बल्ब कितने हैं, वन इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड फॉर 2 आवर्स एवरी डे एंड 540 वाट ट्यूब्स, बल्ब एक ही दिया हुआ है आपको बेटा, यस। और अब ट्यूब लाइट्स की बात कर लीजिए बेटा, ट्यूब लाइट 5 ट्यूब लाइट्स हैं, हरेक की पावर 40 वाट के बराबर है, आप इसके किलो वाट बनाइए, 40 बाई 1000 किलो वॉट, ये आपके पास बेटे जो है पावर 1 बाई 25 किलो वॉट बन गई। टाइम आपने कितना टाइम इनको 4 आवर्स एवरी डे यूज कर रहे हैं, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेंगी, 5 ट्यूबलाइट्स हैं, 1 बाई 25 किलो वॉट पावर है इनका, 4 आवर्स के लिए आप यूज कर रहे हो, तो एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी 4 बाई 5 किलो वॉट आवर। ठीक है जी, आप इसको E1 कह लो, इसको E2 कह लो, दोनों एनर्जी का सम ले लीजिए, टोटल टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे 1 बाई 5 इसकी है, 4 बाई 5 इसकी है, 1 बाई 5 प्लस 4 बाई 5, दिस इज 5 बाई 5, दिस इज 1 किलो वॉट आवर एवरी डे, 1 किलो वॉट आवर एवरी डे आप यूज कर रहे हो, 60 डेज के लिए आपको निकालनी है। सो फार 60 डेज एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, 60 इंटू 1, 60 किलो वॉट आवर के बराबर हो गई बेटा, और ये आपकी टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकल आई। अब आपने निकालना है कि बिल कितना आएगा, अगर आपका 1 यूनिट जो है उसकी कॉस्ट 1.50 रुपीज के बराबर की आपने फिक्स की हुई है, सो यू कैन से दैट बेटा कॉस्ट कितनी बन गई आपकी, कॉस्ट इज इक्वल टू बेटा एक यूनिट की कीमत आपकी 1.5 रुपए के बराबर है, 60 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, और ये आपके पास 90 रुपीज जो है ये आपका बिल आ जाएगा, अगर आप एक बल्ब और 4 ट्यूबलाइट्स इस टाइम के लिए यूज करोगे 60 डेज में बेटा। और इन दिस वे बेटे यू आर टू सॉल्व दिस। डियर चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल? अखिलेश, अंशिका, आशिमा, बलजिंदर, भूमिका, ओके राइट बेटे राइट। चलिए बेटे फिर एक प्रॉब्लम आपको ऐसे और मैं लिखवा देता हूं,
आप करिएगा, देन फिर मैं भी करूंगा, आप अपना आंसर मैच करिएगा कि वेदर हम ठीक ट्रैक पे हैं या एक और मेडिकल करने की जरूरत है। सो आइए डियर चिल्ड्रन फर्दर डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, लेट अस फोकस अपॉन दैट। इसमें आपको सिंपल है, छोटा न्यूमेरिकल है, यही लिखवा देता हूं आपको, लिखिएगा बेटे, आप नोट कर लीजिएगा। ए 1000 वॉट इलेक्ट्रिक गीजर, ए 1000 वॉट इलेक्ट्रिक गीजर इज यूज्ड एवरी डे फॉर 1 आवर, इज यूज्ड every day for 1 hour, how many units of electric energy will it consume, how many units of electric energy will it consume in 60 days? Also calculate the cost. Also calculate the cost of electric energy consumed at the rate of ₹5 per kilowatt hour. Dear children, सारे बच्चे सॉल्व करिएगा इसको, बिल्कुल सेम आपने किया है अभी प्रेजेंटली, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई दिस विदा, फिर मैं भी करता हूं सॉल्व, फिर आप मैच करना आंसर वेदर इट इज देयर और नॉट। 300 रुपए अंशिका ने निकाल दिया है, तो इट शुड बी 300 रुपए बिल आएगा, तो आप खुद इमेजिन कर लीजिए, एक गीजर अगर घर में वैसे 2000 वाट का होता है, 1000 का नहीं होता जनरली, वो आप 1 आवर के लिए चलाओ 60 डेज में, तो बिजली की कीमत 5 रुपए नहीं है प्रेजेंटली, 6-7 के करीब है, तो ये आपका बिल सिर्फ और सिर्फ गीजर का ही 60 डेज का 600 रुपीज के करीब करीब बन जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बदलेगी, तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ टू कैलकुलेट दिस। इसी तरीके से मैं तो आपको ये भी सुजेस्ट करूंगा कि जब आपके घर का बिल आपको वो स्लिप देके जाते हैं, इतनी छोटी सी स्लिप होती है, उसको पकड़िए ध्यान से, उसको एक न्यूमेरिकल समझिए, उसको पकड़ कर आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि वेदर दे हैव कैलकुलेटेड द बिल इन द मैनर वी आर डूइंग ओवर हियर, और कुछ और उसमें दिक्कत उन्होंने कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस भी डाले हुए हैं, एटलीस्ट अगर आपको ये कैलकुलेट करना आता है वो बिल खुद पकड़ा करिएगा, उसको पकड़ कर विद द हेल्प ऑफ योर ये नॉलेज उसको एक बार वेरीफाई जरूर किया करो कि वेदर आपका बिल जो है वो उतना बनता है या उन्होंने कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस डाले हुए हैं, आपको इन चीजों का पता भी होना जरूर चाहिए बेटे। बाकी बच्चों ने सॉल्व किया कि नहीं, दक्ष, हरलीन, कनिष्का, कार्तिक, काव्यांश, काविश, केशव, कीर्ति, सबका हो गया पुत्र, बता दिया करो ना आप बेटे। माधव, लक्ष्य, राघव अरोड़ा, रूहानी, सिमरप्रीत,
एकजोत, दिलप्रीत, वंशिका, सुयश, वृंदा गुप्ता, एकजोत एंड कृष्णा. ओके, चलिए मैं भी हिंट आपको दे देता हूं. यहां पर पूरा नहीं मैं लैंग्वेज लिखूंगा. 1000 वॉट का गीजर है पावर रेटिंग. इसकी पावर 1000 वॉट को जब आप किलोवाट बनाओगे तो 1 किलोवाट बन जाएगा. टाइम कितना आप यूज कर रहे हो? 1 आवर के लिए. और इसका मतलब है इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजम्पशन कितनी हो गई एक दिन में? पावर इनटू टाइम, दिस इज 1 किलोवाट आवर हो गई. और कितने डेज का आपने निकालना है? 60 डेज का. एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 डेज, ये कितना हो गया बच्चों? दिस इज इक्वल टू 60 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट 5 रुपए है. टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इट विल बी 60 × 5, 300. तो ये बड़े कम चार्जेस हमने लिखे हैं, 5 रुपए यूनिट के. इतने वैसे होते नहीं है. आप वेरीफाई करना आज अपने बिल को लेकर, घर में कोई पुरानी स्लिप पड़ी होगी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके हिसाब से आप अपने बेटे घर के बिल का एस्टीमेट भी लगा सकते हो. आप अपने घर में काउंट करिए कि कितनी कितनी पावर रेटिंग के कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कितना कितना टाइम आप चलाते हैं, और उस पर्टिकुलर वे में सबको ऐड करके पावर एनर्जी कंजम्पशन ऐड करके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करिए. आपके पास आपका बिल खुद रेडी हो जाएगा. खुद चीजें करनी सीखिए. राइट बेटा, कुछ बोलते नहीं है आप लोग? ओके बेटा, नाइस. इसके बाद आइए आगे चलें. लेट अस प्रोसीड फर्दर. वी हैव विद अस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये बेटे पावर के साथ रिलेटेड है. आइए कैलकुलेट करके देखें. नेक्स्ट न्यूमेरिकल. एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वॉट. लेट मी राइट. एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वॉट व्हेन यूज्ड एट 220 वोल्ट मेंस, व्हेन यूज्ड एट 220 वोल्ट मेंस व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस. बेटा, डियर चिल्ड्रन, आप सारे बच्चे निकालने की कोशिश करिएगा. आपको पावर 100 वॉट दे रखा है और मेन सप्लाई लाइन की वोल्टेज आपको दे रखी है. रेजिस्टेंस आपने निकालना है. फॉर्मूला आपकी तरफ से कोई स्टूडेंट अगर बताना चाहता हो, यू आर मोस्ट वेलकम. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू? हां जी बेटे, फॉर्मूला यूज भूमिका कुमारी, 10th B class, रोल नंबर 6. बलजिंदर कौर, रोल नंबर 4. आशीमान 3, अंशिका 2, अखिलेश 1. एनी चाइल्ड फ्रॉम यू ऑल फॉर्मूला? यस तृप्ति, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. इलेक्ट्रिक पावर आप बेटे जो है आपका पी, दिस इज इक्वल टू V² / R हुआ करता है. दिस इज वेल नोन टू यू. R आप निकाल लीजिए. R will be equal to V² / P. Make calculation all of you बेटा. Very right, very right बेटे. ठीक है माधव, इसको कैलकुलेट करिए वैल्यूज डालने के बाद. सारे बच्चे बेटा एक्टिवली काम किया करो. सारे बच्चे डोंट बी पैसिव लिसनर्स सिंपली.
Yes, dear. Waiting for the calculated answer from your side. सब कुछ आपके पास, वैल्यूज आपके पास, सीधी सीधी कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं। पलक 484 ओम, वेरी नाइस। अंशिका थम्स अप फॉर यू, गुड, बहुत बढ़िया। बाकी भी सबको करना चाहिए साथ साथ। ठीक है बेटे, ठीक है। आइए रेजिस्टेंस निकाल के देखें। 220 अगेन 220 वी का स्क्वायर है, पावर 100 वॉट है, 22 × 22 = 484। आप टेबल पढ़ा करते थे, सो मेनी ओम, सॉरी नॉट वॉट, सो इन दिस वे। यस, बिल्कुल ठीक, राइट बेटे, राइट राइट राइट। सो इन दिस वे बेटे आप ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे चलें, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा बेटे, ऑल ऑफ यू। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कहीं प्रीवियस ईयर्स में आया भी हुआ है। आइए देखें, आपको कहा गया है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय 100 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 3000 जूल्स ऑफ एनर्जी। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाई 100 वॉट बल्ब टू कंज्यूम 3000 जूल्स ऑफ एनर्जी। 3000 जूल्स एनर्जी के कंज्यूम करने के लिए 100 वॉट का बल्ब कितना टाइम लेगा, दिस इज नीडेड। थोड़ा सा अलग है बाकियों से, बिकॉज इसमें एनर्जी जूल्स में है, किलोवाट्स में नहीं है। फर्क देखिएगा फिर सॉल्व करिएगा, ऑल ऑफ यू बेटा। तरीका सेम, सिर्फ यूनिट्स अलग दिए हुए हैं। यहां पे आप जनरली किलोवाट आवर्स यूज करते हो, यहां पे आपको जूल्स दे रखे हैं, और कोई फर्क नहीं। यस हियर ऑल, यस बच्चों, हो जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 3 आवर्स। अंशिका नहीं गुड़िया, इसको एक बार रीचेक करिए, 3 आवर्स नहीं आएगा। अंशिका रीट्राई, सिंपली कैलकुलेशन एक बार बेटे रीचेक कर लो, यू आर वेरी नियर द आंसर। कई बार कैलकुलेशन में पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, ऑल ऑफ यू। यस बेटे, कम अप विद द आंसर। अरे पलक, ये तो बहुत ज्यादा टाइम बच्चे लग गया पुत्र। अंशिका 30 क्या बेटे? अंशिका यूनिट्स भी बताइए साथ में। अंशिका बेटे 30 क्या? आवर्स, डेज, मिनट्स, सेकंड्स या कुछ और? बेटे डियर चिल्ड्रन, आपका एनर्जी कंज्यूम्ड ई, दिस इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। बच्चों जब आपको पावर जो है ये वॉट्स में दी हुई होती है, और एनर्जी आपकी जो है ये जूल्स में होती है, तो बेटे टाइम आपका ऑब्वियसली सेकंड्स में ही होगा, राइट? तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे,
energy is equal to power into time, time is energy by power. Energy आपके पास है 3000 joules, power है 100 watt, तो ये 30 seconds लगेंगे सिर्फ, आपका जो 100 watt का बल्ब है 30 seconds में इतने जूल्स एनर्जी जो है उसको कंज्यूम कर लेगा. वेरीफाई करिए सारे बच्चे अपना आंसर एंड लेट अस प्रोसीड फर्दर. देन इसके बाद बच्चों आइए आगे चलें विद नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट अस प्रोसीड. कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन ए 60 watt बल्ब, इन ए 60 watt बल्ब रेटेड फॉर 220 volt, rated for 220 volt. करंट निकालना है आपको, सिंपल केस, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं. पावर आपके पास 60 watt, वोल्टेज 220 volt, आई नीड इट. यस डियर चिल्ड्रन, आशिमा, अंशिका, अखिलेश, बलजिंदर, भूमिका, दक्ष, कनिष्का, कार्तिक, अरे बच्चों सिंपल है, पावर इज इक्वल टू वी इन टू आई, आई इज पी ओवर वी, 60 upon 220, 3/11, देखिए कितना बना, 3/11, 0.27 एम्पियर आ जाएगा, 0.27 एम्पियर्स, राइट. बच्चों वेरीफाई करो अपना आंसर सारे बच्चे, यू आर गेटिंग ऑल दिस और नॉट. भूमिका, काव्यांश, केशव, कीर्ति, लक्ष, माधव, पलक, राघव, रूहानी, सात्विक, सजल, समीक्षा, सिमरप्रीत, सुयश, सूर्यांश, सॉरी मैं गलती बोली जा रहा हूं. ठीक है बेटा, थैंक यू, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा. एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए, करते जाइए. ओके बेटा.